पद्म प्राण के सर खंड में मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठर, सूर्य कन्या जमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई है उसी से जमुना का भी आगमन हुआ है। शस्त्रों योजन दूर से भी नाम उच्चारण करने पर वे पापों का नाश कर देती है। युधिष्ठर, जमुना में नहाने, जल पीने और उसका नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। जमुना में गोता लगाने और उसका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। जिसकी वहां मृत्यु होती है परम गति को प्राप्त होता है। जमुना के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है। उसके पश्चिम धर्मराज का तीर्थ है, जिसे हरवर तीर्थ भी कहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार मनुष्य के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं। अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूं। युधिष्ठर, उत्तर में महात्मा सूर्य का विरज नामक तीर्थ है, जहां इंद्रादि देवता प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धापूर्वक दान में प्रवृत्त होकर उस तीर्थ में स्नान करो। वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गंगा और जमुना दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई हैं। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित होती हैं। कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सिरे उठकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है न भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। युधिष्ठिर बोले, मुनि, मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्य में प्राण का श्रवण किया है। उसमें सैकड़ों हजारों और लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बताए गए हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नमिश्चरण और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र हैं। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। अब उन सबको छोड़कर केवल एक ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं। थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग को ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का निवारण कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, मैंने जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष तथा जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूंगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा को परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्य को उस योग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों युगों में योग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर यह सब कुछ सता सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्म की सर्वत्र पूजा होती है उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है। नमिश्चरण, पुष्कर, गोतीर, सिंधु सागर, संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ हैं, पवित्र पर्वत, कुल मिलाकर 30,10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहां 3 अग्नि कुंड हैं जिनके बीच होकर गंगा प्रयाग से निकलती है। वे सब तीर्थों से युक्त है। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। गंगा को उन सब का स्वरूप माना गया है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कंबल और अस्तर नागों के स्थान तथा भोगवती, ये प्रजापति की वेदियां हैं। युधिष्ठर, वहां देवता मूर्तिमान यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयाग की पूजा करते हैं। प्रयाग का ये महात्मा धन्य है।
यही स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख रूप है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम धर्म अनुकूल एवं पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग का पाठ करने वाला देश सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। गुरुनंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। तुमने विधिपूर्वक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने तुमसे प्रयाग महात्म्य का वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितर और पितामहों का उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर बोले, महामुनि, आपने प्रयाग महात्म की ये सारी कथा सुनाई, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। तो मार्कंडेय जी ने कहा, राजन सुनो, बताता हूं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी, ये तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत की, यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर विष्णु उन सबका, समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है, तब भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन 20 कोस है। उपयुक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। अच्छा, प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला है। सूजी कहते हैं, तंत्र धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसी समय भगवान वासुदेव भी वहां पर आ पहुंचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। जो सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात भगवान वासुदेव बोले, राजा युधिष्ठिर, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूं, आपको मेरी बात माननी चाहिए। महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता अथवा महान निवास करता, वे सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, पवित्र रहता है और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा समस्त भूतों में आत्म भाव रखने वाला है, वही तीर्थों के फल का उपभोग करता है। ऋषियों और देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु महाराज, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान मनुष्य भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। नरेश्वर, जिसे विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सकें तथा जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, वे उपाय बताता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, ये ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। 1,30,00,000,000,000 से भी अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर निवास करते हैं। अतः माघ में गंगा स्नान परम पुण्य का साधक होता है। महाराज, अब आप निश्चिंत होकर अकंटक राज्य भोगिए। अब फिर अश्वमेघ यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। पद्म प्राण के सर खंड में भगवान जी के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। ऋषियों ने कहा, महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया। अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है, वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है? सर्वज्ञ सूत जी,
यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। तत्सो जी कहने लगे, महाभाग महर्षिगण, शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उनमें एक ही बात सबकी से बढ़कर है, जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की है उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चित ही जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त कर लेता है। द्विजवरो, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सुनकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता है। एक बार भी वैकुंठ को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के दुग्ध पान नहीं करता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरण में लगा रहता है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, चंडाल तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजऋषि भगवान जी के भक्त हों उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान जी के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उनके भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो तारी बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्ता में आख्यायिका का श्रवण करता है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरो, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है। महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं, इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं उनका अपना इस संसार में जन्म नहीं होता है। अतः महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं, उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते हैं। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज राशि वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। ये देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर से आगे बढ़ते हों मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान जी की पूजा में संलग्न रहते हैं। वो मस्तक भगवान जी के आगे झुकता हो वही उत्तम अंग है। जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोय भी वही है वे सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक है जब भगवान जी की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। आहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं क्योंकि वे नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उसका जल पीने, उसमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य कर्म योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगल में श्री कृष्ण की आराधना करें। पद्म पुराण के सर खंड में ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कर्मयोग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें ये बात बताइए जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि की आराधना कर सकें। वे समस्त लोगों की रक्षा करने वाला धर्म क्या वस्तु है उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से ही ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हैं। तो सूत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मैं सनातन कर्म योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। कर्मयोग ब्राह्मणों को अक्षय फल प्रदान करने वाला है। पहले की बात है, प्रजापति मनु ने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ब्राह्मणों के लाभ के लिए वेद प्रसिद्ध संपूर्ण विषयों का उपदेश किया था। वह उपदेश संपूर्ण पापों को हरने वाला पितृ और मुनि समुदाय द्वारा सेवित है। मैं उसी का वर्णन करता हूं। तुम लोग एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वे अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार गर्भ या जन्म से आठवें वर्ष में उपनयन होने के पश्चात वेदों का अध्ययन आरंभ करें। दंड मेखला यज्ञोपवीत और हिंसा रहित काला मृग चरम धारण किए मुनि वेश में रहे। भिक्षा का अन्न ग्रहण करे और गुरु का मुंह जोहते हुए सदा उसके हित में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञोपवीत बनाने के लिए ही कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणों के लिए तीन आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है।
द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए, अपनी शिखा को सदा बांधे रखना चाहिए। इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने बिना शिखा बांधे जो कर्म किया जाता है वे विधि पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र रुई जैसा सफेद हो या गेरुआ फटा ना हो तभी उसे ओढ़ना चाहिए तथा वही पहनने के योग्य माना गया है। इसमें भी श्वेत वस्त्र अत्यंत उत्तम है, उससे भी उत्तम और शुभ आच्छादन काला मृगचर्म माना गया है। जनेऊ गले में डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर ले और बाईं बांह अपने कंधे पर उसे रखें तो वह उपवीत कहलाता है। यज्ञोपवीत को सदा इसी तरह रखना चाहिए। कंठ में माला की भांति पहना हुआ जनेऊ निवीत कहा गया है। ब्राह्मणों, बाईं बांह बाहर निकालकर दाहिनी बांह या कंधे पर रखे हुए जनेऊ को प्राचीन वीत अपसव्य कहते हैं। इसका पितृ कार्य श्राद्ध तर्पण आदि में उपयोग करना चाहिए। हमन गृह में, गौशाला में, होम जप के समय, सिद्ध्याय में, भोजन काल में, ब्राह्मणों के समीप रहने पर, गुरुजनों तथा दोनों काल की संध्या की उपासना के समय तथा साधु पुरुषों से मिलने पर सदा उपवीत के ढंग से ही जनेऊ पहनना चाहिए। यह सनातन विधि है। ब्राह्मणों के लिए तीन आवृत्ति की हुई मूंछ की ही मेखला बनानी चाहिए। मूंछ न मिलने पर कुछ से भी मेखला बनाने का विधान है। मेखला में गांठ एक या तीन होनी चाहिए। द्विज बांस अथवा प्लास का दंड धारण करे। दंड उसके पैर से लेकर सिर के केश तक लंबा होना चाहिए अथवा किसी भी यज्ञ उपयोगी वृक्ष का दंड जो सुंदर और छिद्र आदि से रहित हो वह धारण कर सकता है। द्विज शरीर और सायकाल में एकाग्र चित्त होकर संध्या उपासन करे। जो काम लोभ भय अथवा मोहवश संध्या उपासन त्याग देता है वह गिर जाता है। संध्या करने के पश्चात द्विज प्रसन्न चित्त होकर सायकाल और प्रातःकाल में अग्निहोत्र करे। फिर दोबारा स्नान करके देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद पत्र पुष्प फल जौ और जल आदि से देवताओं की पूजा करें। प्रतिदिन आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिए तंद्रा और आलस्य आदि का परित्याग करके मैं अमुक हूं और आपको प्रणाम करता हूं इस प्रकार अपने नाम गोत्र आदि का परिचय देते हुए धर्मता अपने से बड़े पुरुषों को विधि पूर्वक प्रणाम करें और इस प्रकार गुरुजनों को नमस्कार करने का स्वभाव बना ले। नमस्कार करने वाले ब्राह्मण को बदले में अश्वान भाव सौम्य कहना चाहिए तथा उसके नाम के अंत में प्लुत अकार का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम हलंत हो तो अंतिम हल के आदि का अवसर प्लुत होना चाहिए। जो ब्राह्मण प्रणाम के बदले उक्त रूप से आशीर्वाद देने की विधि नहीं जानता वह विद्वान पुरुष के द्वारा प्रणाम करने के योग्य नहीं है। जैसा शूद्र है वैसा वह भी है। अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना उचित है, अर्थात अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। शिष्य जिनसे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है उन गुरुदेव को वह पहले प्रणाम करे। जल भिक्षा फूल और समिधा इन्हें दूर दूसरे दिन के लिए संग्रह ना करे। प्रतिदिन जाकर आवश्यकता के अनुसार ले आए। देवता के निमित्त किए जाने वाले कार्यों में भी जो इस तरह के दूसरे दूसरे आवश्यक सामान हैं उनका भी अन्य समय के लिए संग्रह नहीं करे। ब्राह्मणों से भेंट होने पर कुशल पूछे। क्षत्रिय से अनामे, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य का प्रश्न करें। गुरु पिता बड़े भाई राजा मामा ससुर नाना दादा वरन में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति तथा पिता का भाई ये पुरुषों में गुरु माने गए हैं। माता नानी गुरु पत्नी बुआ मौसी सास दादी बड़ी बहन और दूध पिलाने वाली धाय इन्हें स्त्रियों में गुरु माना गया है। ये गुरु वर्ग माता और पिता के संबंध से है ऐसा जानना चाहिए तथा मन वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा इनके अनुकूल आचरण करना चाहिए।
गुरुजनों को देखते ही उठकर खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इनके साथ एक आसन पर नहीं बैठें, इनसे विवाद नहीं करें। अपने जीवन की रक्षा के लिए भी गुरुजनों के साथ द्वेष पूर्वक बातचीत नहीं करें। अन्य गुणों के द्वारा ऊंचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनों से द्वेष करने के कारण नीचे गिर जाता है। समस्त गुरुजनों में भी पांच विशेष रूप से पूज्य हैं। उन पांचों में भी पहले पिता, माता और आचार्य, ये तीन सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता सबसे अधिक सम्मान की योग्य है। उत्पन्न करने वाला पिता, जन्म देने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाला गुरु, बड़ा भाई और स्वामी, ये पांच परम पूज्य माने गए। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि अपने पूर्ण प्रयत्न से अथवा प्राण त्याग कर भी इन पांचों का विशेष रूप से सम्मान करे। जब तक पिता और माता ये दोनों जीवित हों, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवा में संलग्न रहे। पिता माता आदि पुत्रों के गुणों से भली भांति प्रसन्न हो तो वह पुत्र उसकी सेवा रूपी कर्म से ही संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। माता के समान देवता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किए हुए उपकारों का बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करें, परंतु ये निषेध मोक्ष रूपी फल देने वाले नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर ही लागू होता है। मोक्ष के साधन भूत नित्य नैमित्तिक कर्म अनिवार्य हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिए। उनके लिए किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। ये धर्म के सार तत्व का उपदेश किया गया है। ये मृत्यु के बाद भी अनंत फल को देने वाला है। उपदेशक गुरु की विधिवत आराधना करके उसकी आज्ञा से घर लौटाने वाला शिष्य इस लोक में विद्या का फल भोगता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान है। जो मूर्ख उसका अपमान करता है वे उस पाप के कारण मृत्यु के बाद घोर नरक में पड़ता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले पुरुष को स्वामी का सदा सम्मान करना चाहिए। इस संसार में माता का अधिक उपकार है, इसलिए उसका अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाचा, ससुर, ऋतिक और गुरुजनों से मैं अमुक हूं, ऐसा कहकर बोले और खड़े होकर उनका स्वागत करे। यज्ञ में दीक्षित पुरुष यदि अवस्था में अपने से छोटा हो तो भी उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि वे उससे भो और भवत, आप आदि कहकर बात करें। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के द्वारा भी वे सदा सादर नमस्कार के योग्य और पूजनीय हैं, उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। क्षत्रिय आदि यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं गुण से युक्त हों, अनेक शास्त्रों के विद्वान हों, तो भी ब्राह्मण के द्वारा नमस्कार के योग्य कदापि नहीं। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के लोगों से स्वस्ति कहकर बोले, ये श्रुति की आज्ञा है, एक वर्ण के पुरुष को अपने समान वर्ण वाले को प्रणाम ही करना चाहिए। समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, स्त्री का एकमात्र गुरु पति है और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, वे भाई बंधु और कुल, ये पांच सम्मान के कारण बताए गए। इनमें पिछलों की अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में जहां इन पांचों में से अधिक एवं प्रबल गुण होते हैं, वहीं सम्मान के योग्य समझा जाता है। दसवीं अर्थात 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हुआ शूद्र भी सम्मान के योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन, वृद्ध, भार से पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बल को जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शिष्ट पुरुषों के घरों में से भिक्षा लेकर आए तथा गुरु को निवेदन कर दे, फिर गुरु उसमें से जितना भोजन के लिए दें उनकी आज्ञा के अनुसार उतना ही लेकर मौन भाव से भोजन करें। उपनयन संस्कार से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भवत शब्द का पहले प्रयोग करके अर्थात भवती भिक्षाम में देही कहकर भिक्षा मांगे। क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाच्य के बीच में
वैश्य अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे अर्थात क्षत्रिय भिक्षाम भक्ति में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भक्ति कहे। ब्रह्मचारी सबसे पहले अपनी माता बहन अथवा मौसी से भिक्षा मांगे, अपने सजातीय लोगों के घरों में ही भिक्षा मांगे अथवा सभी वर्णों के घर से भिक्षा ले आए। भिक्षा के संबंध में दोनों ही प्रकार का विधान मिलता है, किंतु पतित आदि के घर से भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहां वेद अध्ययन और यज्ञों की परंपरा बंद नहीं है, जो अपने कर्म के लिए सर्वत्र प्रशंसित है, उन्हीं के घरों से जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आए। गुरु के कुल में भिक्षा न मांगे, अपने कुटुंब कुल और संबंधियों के यहां भी भिक्षा के लिए ना जावे। यदि दूसरे घर से ना मिले तो यथासंभव ऊपर बताए हुए पूर्व ग्रह का परित्याग करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्व कथन के अनुसार योग्य घर मिलना असंभव हो जाए तो समूचे गांव में भिक्षा के लिए विचरण करे। उस समय मन को काबू में रखकर मौन रहे और इधर उधर दृष्टि नहीं डाले। इस प्रकार सरल भाव से आवश्यकता के अनुसार भिक्षा का संग्रह करके भोजन करें। सदा जितेंद्रिय रहे, मौन रहकर एवं एकाग्रचित होकर व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करे। एक स्थान का अन्न ना खाए। भिक्षा से किया हुआ निर्वाह ब्रह्मचारी के लिए उपवास के समान माना गया है। ब्रह्मचारी भोजन को सदा सम्मान की दृष्टि से देखे, गर्भ में आकर अन्न की घृणा ना करे, उसे देखकर हर्ष प्रकट करे, मन में प्रसन्न हो और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे। अधिक भोजन आरोग्य आयु और स्वर्गलोक की प्राप्ति में हानि पहुंचाने वाला है, वे पुण्य का नाशक और लोक निंदित है, इसलिए उसका प्रत्याग कर देना चाहिए। पूर्व की ओर मुख होकर अथवा सूर्य की ओर मुंह करके अन्न का भोजन करना उचित है। उत्तर की ओर मुख होकर कदापि भोजन ना करें। यह भोजन की सनातन विधि है। भोजन करने वाला पुरुष हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में बैठकर पहले जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी उसे दो बार आचमन करना चाहिए। भोजन करके जल पीकर सोकर उठने पर और स्नान करने पर, गलियों में घूमने पर, होठ चाटने या स्पर्श करने पर, वस्त्र पहनने पर, वीर्य मूत्र और मल का त्याग करने पर, अनुचित बात करने पर, थूकने पर, अध्ययन आरंभ करने के समय, खांसी तथा दम उठने पर, चौराहे या शमशान भूमि में घूमकर लौटने पर तथा दोनों संध्याओं के समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किए होने पर भी आचमन फिर करें। चंडालों और मलेच्छों के साथ बात करने पर, स्त्रियों शूद्रों तथा झूठे मुंह वाले पुरुषों से वार्तालाप होने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष अथवा झूठे भोजन को देख लेने पर अथवा आंसू या रक्त गिरने पर भी आचमन करना चाहिए। अपने शीर से स्त्रियों का स्पर्श हो जाने पर, अपने बालों तथा खिसक कर गिरे हुए वस्त्र का स्पर्श कर लेने पर धर्म की दृष्टि से आचमन करना उचित है। आचमन के लिए जल ऐसा होना चाहिए जो गर्म ना हो, जिसमें फैन ना हो, जो खारा ना हो। पवित्रता की इच्छा रखने वाला पुरुष श्रद्धा पूर्व की ओर मुख या उत्तर की ओर मुख होकर ही आचमन करे। उस समय सिर अथवा गले को ढके रहे तथा बाल और चोटी को खुला रखे। कहीं से आया हुआ पुरुष दोनों पैरों को धोए बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान पुरुष सीढ़ी पर या जल में खड़ा होकर अथवा पगड़ी बांधे आचमन नहीं करे। बरसती हुई धारा के जल से अथवा खड़े होकर या हाथ से उलीचे हुए जल के द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथ से दिए हुए जल के द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीत के भी आचमन करना निषिद्ध है। खड़ाऊ पहने हुए अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिए। बोलते हंसते किसी की ओर देखते तथा बिछोने पर लेटे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस जल को अच्छी तरह देखा ना गया हो, जिसमें फैन आदि हो, जो शूद्र के द्वारा अथवा अपवित्र हाथों से लाया गया हो तथा जो खारा हो, ऐसे जल से भी आचमन करना अनुचित है। आचमन के समय अंगुलियों से शब्द नहीं करें,
मन में दूसरी कोई बात नहीं सोचे, हाथ में बिलोड़े हुए जल के द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण उतने ही जल से आचमन करने पर पवित्र हो सकता है जो हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले आचमन के जल से शुद्ध होता है। वैश्य जिहा से जल का आस्वादन मात्र कर लेने से पवित्र होता है और स्त्री तथा शूद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे की जड़ के भीतर की रेखा में ब्रह्म तीर्थ बताया गया है। अंगूठी और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। काणी उंगली के मूल से पीछे का भाग प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। उंगलियों का अग्रभाग देव तीर्थ माना गया है, उसी को आर्ष तीर्थ भी कहते हैं। अथवा उंगलियों के मूल भाग में देव और आर्ष तीर्थ तथा मध्य में आग्नेय तीर्थ है, उसी को सोमिक तीर्थ भी कहते हैं। ये जानकर मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन करे अथवा देव तीर्थ में आचमन की इच्छा रखे, किंतु पितृ तीर्थ में कदापि आचमन नहीं करे। पहले मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करे, फिर अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछते हुए उसका स्पर्श करे, तत्पश्चात अंगूठे और अनामिका उंगलियों से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे, फिर तर्जनी और अंगूठे के योग से नाक के दोनों छिद्रों का, कनिष्का और अंगूठे के संयोग से दोनों कानों का, संपूर्ण उंगलियों के योग से हृदय का, करतल से मस्तक का और अंगूठे से दोनों कंधों का स्पर्श करे। दीजिए 3 बार जो जल का आचमन करता है उससे ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी तृप्त होते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। मुख का परिमार्जन करने से गंगा और जमुना को तृप्ति होती है। दोनों नेत्रों के स्पर्श से सूर्य और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करने से अश्विनी कुमारों की तथा कानों के स्पर्श से वायु और अग्नि की तृप्ति होती। हृदय के स्पर्श से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श से वह अद्वितीय पुरुष अंतर्यामी प्रसन्न होता है। मधुपर्क, सोमरस, पान, फल, मूल तथा गन्ना, इन सब के खाने पीने में मनुज ने दोष नहीं बताया है। उससे मुंह जूठा नहीं होता। अन्न खाने तथा जल पीने के समय प्रवृत्त होने वाले मनुष्य के हाथ में यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वी पर रखकर आचमन के पश्चात उस पर भी जल छिड़क देना चाहिए। जिस जिस वस्तु को हाथ में लिए हुए मनुष्य अपना मुंह जूठा करता है, उसे यदि पृथ्वी पर ना रखे तो वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है। वस्त्र आदि के विषय में विकल्प उसे पृथ्वी पर रखा भी जा सकता है और नहीं भी, उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिए। रात के समय जंगल में चोर और व्याघ्रों से भरे हुए रास्ते पर चलने वाला पुरुष द्रव्य हाथ में लिए हुए मलमूत्र का त्याग करके दूषित नहीं होता। यदि दिन में शौच जाना हो तो जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि में जाना पड़े तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, ढेले अथवा घास से ढककर तथा अपने मस्तक को भी वस्त्र से आच्छादित करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। किसी पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला, देव मंदिर तथा जल में, रास्ते पर, राख पर, अग्नि में तथा शमशान भूमि में भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोबर पर, काठ पर, बहुत बड़े वृक्ष पर तथा हरी भरी घास में भी मलमूत्र करना निषिद्ध है। खड़े होकर तथा नग्न होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पर्वत मंडल में, पुराने देवालय में, बांबी पर तथा किसी भी गड्ढे में मलमूत्र का त्याग वर्जित है। चलते चलते भी पखाना और पेशाब नहीं करना चाहिए। भूसी, कोयले तथा ठीकरे पर, खेत में, बिल में, तीर्थ में, चौराहे पर अथवा सड़क पर, बगीचे में, जल के निकट, ऊसर भूमि में तथा नगर के भीतर, इन सभी स्थानों में मलमूत्र का त्याग मना है। खड़ाऊ या जूता पहनकर, छाता लगाकर अंतरिक्ष में स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गऊ, देवता, दिवाले तथा जल की ओर मुंह करके नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हुए अथवा उनकी ओर मुंह करके तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की ओर दृष्टि करके भी कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
शोच आदि होने के पश्चात कहीं किनारे से लेप और दुर्गंध को मिटाने वाली मिट्टी लेकर आलस्य रहित होकर विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जल से हाथ आदि की शुद्धि करें। ब्राह्मण को उचित है कि वे रेत मिली हुई अथवा कीचड़ की मिट्टी ना लें। रास्ते से ऊसर भूमि से तथा दूसरे के शोच से बची हुई मिट्टी को भी काम में ना लें। देव मंदिर से, कुएं से, घर की दीवार से, जल से भी मिट्टी ना लें। तंत्र हाथ पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधि से आचमन करना चाहिए। पद्म प्राण के सर खंड में ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म व्यास जी कहते हैं, महर्षियों इस प्रकार दंड मेखला मृगचर्म आदि से युक्त तथा शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी गुरु के मुखी और देखता रहे और जब वे बुलाएं तब उन्हीं के पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी रहे। जब गुरु बैठने की आज्ञा दे तब उनके सामने बैठे। गुरु की बात का श्रवण और गुरु के साथ वार्तालाप ये दोनों कार्य लेटे लेटे नहीं करे और भोजन करते समय भी नहीं करे। उस समय ना तो खड़ा रहे और ना दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुरु के समीप शिष्य की शैया और आसन सदा नीचे रहने चाहिए। जहां तक गुरु की दृष्टि पड़ती हो वहां तक मनमाने आसन पर नहीं बैठे। गुरु के प्रोक्ष में भी उनका नाम नहीं ले, उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टा का अनुसरण नहीं करे। जहां गुरु पर लांछन लगाया जाता हो अथवा उनकी निंदा हो रही हो वहां कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहां से अन्यत्र हट जाना चाहिए। दूर खड़े होकर, क्रोध में भरकर अथवा स्त्री के समीप रहकर गुरु की पूजा ना करे, गुरु की बातों का प्रत्युत्तर ना दे। यदि गुरु पास ही खड़े हों तो स्वयं भी बैठा ना रहे। गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया करे। प्रतिदिन उसके आंगन में झाड़ू देकर उसे लीप पोत दे। गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तुओं पर उनकी शैया, खड़ाऊ, जूते, आसन तथा छाया आदि पर कभी पैर नहीं रखे। गुरु के लिए दातन आदि ला दिया करे। जो कुछ प्राप्त हो उन्हें निवेदन कर दे। उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जाए और सदा उनके प्रिय एम हित में संलग्न रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर नहीं फैलावे। उनके सामने जंभाई लेना, हंसना, गला ढकना और अंगड़ाई लेना सदा के लिए छोड़ दे। समय के अनुसार गुरु से जब तक कि वे पढ़ाने से उदासीन ना हो जाएं अध्ययन करें। गुरु के पास नीचे बैठे एकाग्रचित से उनकी सेवा में लगा रहे। गुरु के आसन, शैया और स्वायरी पर कभी नहीं बैठे। गुरु यदि दौड़ते हो तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी दौड़े, वे चलते हो तो स्वयं भी पीछे पीछे जाए। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की अटारी, कुश की चटाई, शिलाखंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। शिष्य को सदा जितेंद्रिय, चित्तात्मा क्रोधहीन और पित्त रहना चाहिए। वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले। चंदन माला, स्वाद, श्रृंगार, सीपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुरमा, शरबत आदि पे, छत्र धारण, काम, क्रोध, भय, निद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लांछन लगाना, स्त्री की ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरे का घात करना तथा चुगली खाना, इन दोषों का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करें। जल से भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी आदि कुश, इन वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार संग्रह करें तथा अन्न की भिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन जाए। घी, नमक और बासी अन्न ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। वे कभी नृत्य नहीं देखे, सदा संगीत आदि से निष्प्रिय रहे, ना सूर्य की ओर देखे, ना दातन करे। उसके लिए स्त्रियों के साथ एकांत में रहना और शूद्र आदि के साथ वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। वे गुरु के उच्छिष्ट औषध और अन्न का स्वेच्छा से उपभोग ना करे। ब्राह्मण गुरु के प्रत्याग का किसी तरह विचार भी मन में नहीं लाए। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग दे तो पतित हो सकता है। जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उन गुरुदेव से कभी द्रोह नहीं करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य अकर्तव्य को ना जानने वाला कुमारगामी हो तो मनु जी ने उसका त्याग करने का आदेश दिया है।
गुरु के गुरु समीप आ जाएं तो उनके प्रति भी गुरु की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात जब वे गुरु की आज्ञा दें तब आकर अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो विद्यागुरु हों उनके पीछे भी यही बर्ताव करना चाहिए। जो योगी हों, जो अधर्म से रोकने और हित का उपदेश करने वाले हों, उनके प्रति भी सदा गुरुजन उचित बर्ताव करना चाहिए। गुरु के पुत्र, गुरु की पत्नी, गुरु के बंधु बांधवों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही बर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञ कर्म में माननीय पुरुषों का आदर करे। यदि गुरु का पुत्र भी पढ़ाए तो गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी है। किंतु गुरु पुत्र के शीर दबाने, नहलाने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदि का कार्य ना करें। गुरु की स्त्रियों में जो उनके समान वर्ण की हों उनका गुरु की भांति सम्मान करना चाहिए तथा जो समान वर्ण की ना हो उनका अभ्युत्थान और प्रणाम आदि के द्वारा ही सत्कार करना चाहिए। गुरु पत्नी के प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर दबाने और केशों का श्रृंगार करने आदि की सेवा ना करें। यदि गुरु की स्त्री युवती हो तो उसका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपितु मैं अमुक हूं यह कहकर पृथ्वी पर मस्तक ही टेकना चाहिए। सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण करने वाले शिष्य को उचित है कि बाहर से आने पर प्रतिदिन गुरु पत्नी का चरण स्पर्श एवं प्रणाम करें। मौसी, मामी, सास, बुआ ये सब गुरु पत्नी के समान हैं। अतः गुरु पत्नी की भांति इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों की स्वर्ण स्त्रियों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुंबी और संबंधियों की भी श्रेष्ठ स्त्रियों के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। बुआ, मौसी तथा बड़ी बहन के साथ माता की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। इन सब की अपेक्षा माता का गौरव अधिक है। जो इस प्रकार सदाचार से संपन्न, अपने मन को वश में रखने वाला और दम्भहीन शिष्य हो उसे प्रतिदिन वेद, धर्मशास्त्र और प्राणों का अध्ययन करना चाहिए। जब शिष्य साल भर तक गुरुकुल में निवास कर ले और उस समय तक गुरु उसे ज्ञान का उपदेश ना करे तो वह अपने पास रहने वाले शिष्य के सारे पापों को हर लेता है। आचार्य का पुत्र सेवापरायण, ज्ञान देने वाला, धर्मात्मा, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देने वाला, पानी पिलाने वाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य, ये 10 प्रकार के पुरुष धर्मता पढ़ाने के योग्य हैं। कृतज्ञ, द्रोणा रखने वाला, मेधावी, गुरु बनाने वाला, विश्वास पात्र और प्रिय, ये 6 प्रकार के द्विज विधि पूर्वक अध्ययन कराने के योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील हो, उत्तर की ओर बैठकर प्रतिदिन सध्याय करे, गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुंह जोहता रहे। जब गुरु कहें सौम्य आओ पढ़ो तब उनके पास जाकर पाठ कर पढ़े और जब वे कहें कि अब पाठ बंद करना चाहिए तब पाठ बंद कर दें। अग्नि के पूर्व आदि दिशाओं में कुश बिछाकर उनकी उपासना करें। 3 प्राणायामों से पित्र होकर ब्रह्मचारी ओमकार के जप का अधिकारी होता है। ब्राह्मणों, विप्र को अध्ययन के लिए आदि और अंत में भी विधि पूर्वक प्रणव का जप करना चाहिए। प्रतिदिन पहले वेद को अंजलि देकर उनका अध्ययन कराना चाहिए। वेद संपूर्ण भूतों के सनातन नेत्र हैं, अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करें, अन्यथा वे ब्रह्मांड ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। जो नित्य प्रति ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह दूध की आहुति से, जो यजुर्वेद का पाठ करता है वह दही से, जो सामवेद का अध्ययन करता है वह घी की आहुतियों से तथा जो अथर्ववेद का पाठ करता है वह सदा मधु से देवताओं को तृप्त करता है। उन देवताओं के समीप नियम पूर्वक नित्य कर्म का आश्रय लेकर मन में जाकर एकाग्रचित्त होकर गायत्री का जप करें। प्रतिदिन अधिक से अधिक 1000, मध्यम स्थिति में 100 अथवा कम से कम 10 बार गायत्री देवी का जप करना चाहिए। यह जप यज्ञ कहा गया है। भगवान जी ने गायत्री और वेदों को त्राजू पर रखकर तोला था। एक और चारों वेद थे और एक और केवल गायत्री मंत्र।
दोनों का पलड़ा बराबर रहा। द्विज को चाहिए कि वह श्रद्धालु में काग्रचित होकर पहले ओंकार का और फिर व्याहूतियों का उच्चारण करके गायत्री का उच्चारण करे। पूर्व कल्प में भू भव और स्व ये तीन सनातन महावृत्तियां उत्पन्न हुई जो सब प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली हैं। ये तीनों व्याहूतियां क्रमशः प्रधान पुरुष और काल का, विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी का तथा सत्वगुण रजगुण और तमगुण का प्रतीक मानी गई हैं। पहले ओम, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पश्चात गायत्री मंत्र, इन सब को मिलाकर ये महायोग नामक मंत्र बनता है जो सार से भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेद माता गायत्री का अर्थ समझकर जप करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है। ये जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। द्विजवरो, आषाढ़ श्रावण अथवा भादों की पूर्णिमा को वेदों का उपाक्रम बताया गया है, अर्थात उक्त तिथि से वेदों का सिद्धाय प्रारंभ किया जाता है। जब तक सूर्य दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं तब तक, अर्थात 4.5 महीने पवित्र स्थान में बैठकर ब्रह्मचारी एकाग्रता पूर्वक वेदों का अध्ययन करे, उसका सिद्धाय करे। तत्पश्चात द्विज पुख्य नक्षत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग सिद्धाय की समाप्ति करे। शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल और कृष्ण पक्ष में संध्या के समय वेदों का सिद्धाय करना चाहिए। वेदों का अध्ययन अध्यापन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे गए अध्यायों के समय सदा ही अध्ययन बंद रखना चाहिए। यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी सनसनाहट कानों में गूंज उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आंधी चलने लगे तो अनध्याय होता है। यदि बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, वृष्टि तथा महान उल्कापात हों तो प्रजापति मनु ने अकालिक अनध्याय बताया है। ऐसे अवसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करने पर इन उत्पातों का उदय जान पड़े तो वर्षा काल में अनध्याय समझना चाहिए तथा वर्षा से भिन्न ऋतु में यदि बादल दिख भी जाए तो अध्ययन रोक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में, उससे भिन्न काल में भी यदि उत्पात सूचक शब्द, भूकंप, चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों के उपद्रव हों तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अनध्याय समझना चाहिए। यदि प्रातः काल में होम अग्नि प्रज्वलित होने पर बिजली की गड़गड़ाहट और मेघ की गर्जना सुनाई दे तो स ज्योति अनध्याय होता है, अर्थात ज्योति सूर्य के रहने तक ही अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रात में भी अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात यदि उक्त उत्पात हों तो दिन की ही भांति सज ज्योति ताराओं के दिखने तक अनध्याय माना जाता है। धर्म की निपुणता चाहने वाले पुरुषों के लिए गांव, नगरों तथा दुर्गंधपूर्ण स्थानों में सदा ही अनध्याय रहता है। गांव के भीतर मुर्दा रहने पर, शूद्र की समीपता होने पर, रोने का शब्द कान में पड़ने पर तथा मनुष्यों की भारी भीड़ रहने पर भी सदा ही अनध्याय होता है। जल में आधी रात के समय मलमूत्र का त्याग करते समय, जूठा मुंह रहने पर तथा श्राद्ध का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण एकोदित श्राद्ध का निमंत्रण लेकर 3 दिनों तक वेद का अध्ययन बंद रखे। राजा के यहां सूतक जन्ना शोच हो या ग्रहण का सूतक लगा हो तो भी 3 दिनों तक वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करे। एकोदिष्ट में सम्मिलित होने वाले विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक श्राद्ध के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वह वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करे। लेटकर, पैर फैलाकर, घुटने मोड़कर तथा शूद्र का श्राद्ध अन्न भोजन करके वेद अध्ययन नहीं करे।
कोहरा पड़ने पर, बाण का शब्द होने पर, दोनों संध्याओं के समय, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को भी वेद अध्ययन निषिद्ध है। वेदों के उपाक्रम के पहले और उत्सर्ग के बाद तीन रात तक अन्न अध्याय माना गया है। अष्टका तिथियों को एक दिन रात तथा ऋतु के अंत की ये रात्रियों को रात भर अन्न अध्ययन निषिद्ध है। मार्चीज पोष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथियां आती हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों ने तीन अष्टकाओं के नाम से कहा है। बहेड़ा, सेमल, मऊआ, कचनार और कैत, इन वृक्षों की छाया में कभी वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठी अथवा साथ रहने वाले ब्रह्मचारी या आचार्य को की मृत्यु हो जाने पर तीन रात तक अन्न अध्याय माना गया है। ये अवसर वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए छिद्र रूप हैं। अतः अन्न अध्याय कहे गए हैं। इसमें अध्ययन करने से राक्षस हिंसा करते हैं, अतः इन अन्न अध्यायों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य करण में अन्न अध्याय नहीं होता, संध्या उपासना भी बराबर चलता रहना है। उपाक्रम में, उत्सर्ग में, होम के अंत में तथा अष्टका की आदि तिथियों को वायु के चलते रहने पर भी सिद्ध्याय करना चाहिए। वेदांगों, इतिहास, पुराणों तथा अन्य धर्म शास्त्रों के लिए भी अन्न अध्याय नहीं है। इन सबको अन्न अध्याय की कोटि से पृथक समझना चाहिए। ये मैंने ब्रह्मचार्य के धर्म का संक्षेप में वर्णन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के सामने इस धर्म का प्रतिपादन किया था। जो बीज वेद का अध्ययन न करके दूसरे शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह मूढ़ और वेद बाह्य कहलाता माना गया है। द्विज जातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए। द्विज को केवल वेदों के पाठ मात्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जो केवल पाठ मात्र से लगा रह जाता है, वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की भांति कष्ट उठाता है। जो विधिपूर्वक वेद का अध्ययन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता, वह मूढ़ एवं शूद्र के समान है, मैं सुपात्र नहीं होता। यदि कोई सदा के लिए गुरुकुल में वास करना चाहे तो सदा उद्यत रहकर शीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे, वन में जाकर विधिवत अग्नि में होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ में काग्रचित होकर सदा से ध्याय करता रहे, वह भिक्षा के लिए अन्न पर निर्भर रहकर योग युक्त होकर सदा गायत्री का जप और शतरुद्रीय तथा विशेषतः उपनिषदों का अभ्यास करता रहे। वेद अध्ययन के विषय में जो ये परम प्राचीन विधि है, उसका बड़ी भांति मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। पूर्व काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर दिव्य शक्ति संपन्न सांभव मणि ने इसका प्रतिपादन किया था।